9 9। व्हाट, मेरे कॉल आ रहा है भाई, मेरे को डर लग रहा है। वो रात के 1 बज रहे, रात के 1 बजे कौन कॉल करेगा? मैं उठा रहा हूँ, मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ सीधा। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। हेलो गाइस, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और डरावनी वीडियो में। यस, लाइक मेरे को नहीं पता मैं अभी इतनी डरावनी वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, बट या मेरे को मजा आ रहा है एंड देखो तुम लोगों को भी मजा आ रहा है। तो या देखो बनाने में क्या जा रहा है, मेरे को जस्ट रिकॉर्ड करना होता है। बट देखो आज की वीडियो पुरानी सारी वीडियो से थोड़ी सी अलग है, बिकॉज आज हम लोग जो चीज करने वाले हैं, लाइक ये चीज मेरे को ऐसा बचपन से करनी थी। लाइक जब मैं छोटा था ना, तब ऐसा गाँव में बहुत सारे लोग बोलते थे कि एक नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ऐसे लिखो फोन पे एंड उसको अगर डायल करो तो भूत को नंबर लगता है। लाइक पहले ऐसा गांव में बोलते थे एंड हम लोग पता है डायल भी करते थे एंड फोन उठता था, पर देखो किसी की आवाज नहीं आती थी एंड हम लोग इसी को देख के ऐसा डर जाते थे कि भाई क्या है ये। लाइक उस टाइम पे मैं इतना डरता था कि मैं अकेले में वो नंबर मिला नहीं सकता, लाइक समझ रहे हो तुम, इतना ज्यादा। एंड देखो मैं छोटा था, ठीक है, तो डरना बनता है यार, बच्चे सारे डरते हैं। बट अभी मैं देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ तो शायद मुझे अभी कम डर लगे। तो यार आज हम लोग बहुत सारे स्कैरी और घोस्ट वाले नंबर, जो कि लोग बोलते हैं कि हाँ ये स्कैरी नंबर्स हैं, उनको डायल करने वाले हैं। लाइक अभी जस्ट मैं तुम्हारे सामने डायल करूंगा एंड लेट्स सी कि क्या होता है। एंड फन फैक्ट, अभी रात के 1 बज रहे हैं। यस, मैं 1 बजे कॉल कर रहा हूँ ये सारे नंबरों पे, तो यार डर तो बनता है। शाबाश बेटा। तो देखो मैंने बहुत सारे नंबर्स ना ऐसा ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, लेट्स सी कि ये सच्ची में सच्ची होते हैं या फिर फेक होते हैं। बट फर्स्ट ना मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना वही नंबर मिलाता हूँ जो कि बचपन में ऐसे बोलते थे कि हाँ ये भूत का नंबर है। ओके, ये नंबर मैंने टाइप कर दिया है, तुम लोगों को दिख रहा होगा अभी जस्ट मुझे इस पे कॉल करने का। एंड यहाँ पे पता किसी का नाम भी आ रहा है, ये यूपी का नंबर है। लाइक सी तुम लोगों को नीचे अगर दिख रहा है तो, बट ठीक है लेट्स सी, कोई उठाता है तो मैं ऐसे बात करूंगा। ओके मैं नेटवर्क चले गए। ये तो सर्विस कस्टमर केयर का नंबर है। ओए मैं बचपन में ऐसे ही डर रहा था, अबे ये तो मेरा बैलेंस बैलेंस बता देगा। अबे यार ये क्या है, मैं बचपन में ऐसे ही डर रहा था क्या? बट नहीं, ओ नहीं, बट क्या पता ऐसा उल्टा सा हो, ऐसे करके 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। यस लेट्स सी, इस पे लगता है कि नहीं लगता है। अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। स्विच ऑफ है, मतलब एक्चुअली नंबर है। ओह शिट। और इस पे पता है नाम भी आया, रुको रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। इस पे नाम है ये कैलिप्सोनिक कुछ तो लिखा हुआ है, रुको 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 तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा ऐसे, तुम लोग ऐसे भी नहीं दिख रहा, रुको रुको मैं इसकी ब्राइटनेस ना थोड़ी और कम कर देता हूँ। ये दिख रहा है कैलिप्सोनिक करके ये नंबर है एंड ये स्विच ऑफ है, मतलब एक्चुअली कभी तो खुलता होगा ना। तो यार मैं ऐसे बाद में फिर से कॉल करूंगा। ओके अभी हम लोग ना अपनी एक्चुअल लिस्ट पे चल लेते हैं, ये बचपन वाले नंबर्स को काफी कॉल कर लिया मैंने। ओके सो ये जो हमारा पहला नंबर है ये अमेरिकन नंबर है एंड वहाँ पे ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं ये शैतान का नंबर है, बिकॉज एक टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस नंबर से ऐसा क्रीपी क्रीपी मैसेजेस आए थे। एंड फन फैक्ट, जब वो अपना बिल कराने गए, जो ऐसा बिल होता है जिससे तुम बात करते हो फिर वो एंड में बिल होता है उसका, जब वो बिल कराने गए अपने फोन कॉल्स का तो वहां पे ये नंबर लिस्टेड ही नहीं था। लाइक समझ रहे हो, किसी का तुम्हें कॉल आ रहा है, किसी का तुम्हें मैसेज आ रहा है, बट वो नंबर तुम्हारे ऐसा बिल्स में लिस्टेड ही नहीं है, उसका कोई रिपोर्ट ही नहीं है कि हाँ इसको कॉल हुआ या आया है। एंड ये नंबर है 666666666666। ये नंबर है एग्जैक्ट, अभी मैं इसको कॉल करने वाला हूँ। देखो कुछ नहीं होता है, ठीक है जस्ट कॉल। यस इनवैलिड, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, अमान्य है, डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। रुको रुको रुको, देखो ऐसा हो नहीं सकता ये वैलिड ना हो, कॉज ना देखो लाइक मोस्टली फोन में क्या होता है ना, तुम अगर किसी को कॉल करते हो तो वहां पे दिखाता है कि हाँ किसका नंबर, जैसे ट्रू कॉलर में होता नहीं है पहले से नाम लिख के आ जाता है, तो मेरे में यहाँ पे देखो सस्पेक्टेड फ्रॉड लिख के आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस नंबर को रिपोर्ट किया है एक्चुअली, जब ये नंबर वैलिड नहीं है
तो लोग फ्रॉड ऐसा रिपोर्ट ही क्यों करेंगे? लाइक ऐसा हो सकता है कि क्या पता एक टाइम पे ये नंबर वैलिड हो एंड बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हो, तो ऐसा क्या पता ऐसा नंबर ही बैन कर दिया हो। भाई कुछ तो होगा इस नंबर में डेफिनेटली, बट यार लग नहीं रहा है, शायद मैं लेट हो गया हूँ इस नंबर को मिलाने में। ओके कोई नहीं, अभी तो बहुत सारे नंबर है, एक नहीं लगेगा तो क्या हुआ। ओके सो ये जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, ये एक बल्जेरियन नंबर है, लाइक बल्जेरिया कंट्री है, वहां का नंबर है। एंड इसकी स्टोरी ये है कि लास्ट ये नंबर जिन तीनों लोगों के पास था वो तीनों मर चुके हैं, एंड तीनों की ऐसा सस्पिशियस डेथ हुई थी। तो एट द एंड जिस कंपनी के थ्रू ये नंबर था, जैसे यहाँ पे एयरटेल या वोडाफोन होते हैं, वैसे ही वहां की जिस कंपनी के पास ये नंबर था उसने ये नंबर बैन कर दिया। एंड अगर अभी भी मैं इस नंबर पे कॉल करूंगा तो सर्विस नॉट अवेलेबल आएगा, बट लेट्स सी कॉल करने में क्या जा रहा है। 0888888888 ये गया वो नंबर एंड ओके लेट्स गो कॉल। वैलिड नंबर, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। ओके 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 ओ हाँ, रुको मेरे पास एक आईडिया आया, 5 6 7 8 9 10, इसको 10 डिजिट का कर देता हूँ मैं। मैंने 10 बार 8 8 8 लिख दिया है, अब लेट्स सी। वेलकम टू चेक डायल। हेलो, मैं यहाँ से सिटी और कॉलिंग फ्रॉम। हेलो, यस सर, मैं नोटा सिटी, यू आर कॉलिंग फ्रॉम। आप कहाँ से बात कर रहे हो? यू आर कॉलिंग चेक डायल कंपनी सर, आई एम डायरेक्टर एसएससी हेल्पलाइन। आप भूत नहीं हो? सॉरी, आप भूत नहीं हो? भूत सर, यू आर कॉलिंग चेक डायल कंपनी, वी आर लुकिंग फॉर एनी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्लीज आस्क कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं मैंने तो भूत को कॉल किया है। आर गेटिंग प्रॉपर रिस्पांस फ्रॉम कॉल सर, योर कॉल इज गेटिंग डिस्कनेक्ट, थैंक यू फॉर कॉलिंग चेक डायल। अबे यार किसी ने उठाया, ओह शिट भाई, वो भूत नहीं था ठीक है। अबे यार वो जस्ट डायल कोई कंपनी है, उसका नंबर था। मैंने कुछ भी कर दिया, मैंने 10 बार 8 8 8 लिख दिया एंड वो किसी कंपनी को लग गया। और मैं भी उसको क्या बोल रहा हूँ, आप भूत नहीं हो? नहीं, अभी तक किसी भूत को तो नहीं मिला है, बट एक बंदे को मिला है जो कि भूत तो नहीं था ऑब्वियसली। ओके सो हमारा अगला नंबर है थाईलैंड से, और ये नंबर है 9999999। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम कोई एक विश करते हो एंड फिर इस नंबर पे कॉल करते हो तो तुम्हारी जो विश है, जो तुम चाहते हो, वो कंप्लीट हो जाएगी एंड उसी के कुछ टाइम बाद तुम्हारी एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। लाइक व्हाट? एंड इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसको ऑलमोस्ट 19 साल हो चुके हैं एंड जो उस मूवी में थे, लेकिन एक्चुअल रियल स्टोरी है, जो उस मूवी में थे उन सब की ऐसे ही किसी सस्पिशियस ऐसा इवेंट में डेथ हो चुकी है अभी तक। लाइक एक दो की होती तो ऐसा तुम मान सकते थे कि हाँ कोई और रीजन हो सकता है, बट जितने भी थे उस मूवी में सब की हुई है। एंड ये कहा जाता है कि हाँ जो ये मूवी बनी थी वो एक्चुअली ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड थी, लाइक ऐसा कुछ फिक्शन विक्शन नहीं था, ऐसा कहते हैं लोग ठीक है। मैं तो देखो एक बजे अगर ये सब कुछ मानूंगा तो मेरी फट के वैसे भी 4 हो जानी है, बट कोई नहीं, मैं देखो नंबर डायल कर सकता हूँ, तो यार मैं नंबर डायल करूंगा बस 99। व्हाट, मेरे को कॉल आ रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है ये? सी मेरे को अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, भाई मेरे को डर लग रहा है। ओए रात के 1 बज रहे, रात के 1 बजे कौन कॉल करेगा, एंड इसका नंबर भी नहीं है, व्हाट द हेल। मेरे को फिर से आ रहा है, मेरे को फिर से आ रहा है, यस मैं उठा रहा हूँ, मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ सीधा, लेट्स सी। हेलो हेलो, मेरी आवाज वापस आ रही है? हेलो हेलो, भाई ये क्या है? कौन प्रैंक कर रहा है मेरे साथ? भाई मैं काट रहा हूँ, रुको, मैंने काट दिया ठीक है, आई एम डन ओके। बट देखो सोचने वाली बात यार, मेरे को 1 बजे कॉल कौन करेगा, एंड तभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो है, वैसे मेरे को किसी के कॉल नहीं आते हैं एंड मैं इस नंबर पे कॉल भी नहीं कर सकता बिकॉज नंबर नहीं है इसमें, सीधा अननोन लिखा हुआ आ रहा है बस। भाई मेरे को सच्ची डर लग रहा है, एंड ऊपर से 1 बज रहा है, सब सो रहे हैं मेरे घर पे, अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं है, कोई नहीं मैं जैसे तैसे करके ही खत्म कर रहा हूँ। कॉज मेरे को लग रहा है डर ठीक है। ओके सो मैंने ये वाला नंबर लगा दिया, लेट्स होप कि इसको कोई उठाए ना ठीक है। डन ओके, वैलिड नहीं है,
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वो यस वैलिड नहीं है, लेट्स गो। बुद बुद कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये नंबर ही वैलिड नहीं है। बट व्हाट इफ ये तो 6-7 डिजिट का नंबर था ना, तो क्या होगा अगर मैं इसको 10 डिजिट का कर दूं 999 करके एंड फिर उसको डायल करूं? तुम्हें क्या नंबर से संपर्क करूं इच्छिता, तो सत्या स्विच्ड ऑफ है, कृपया थोड़े व्यायाम प्रयत्न। अबे यार ये नंबर सारे स्विच ऑफ करके क्यों बैठे हैं, इन्होंने किससे कर्जा ले लिया है जो ये फोन वन ऐसा बंद करके ऐसे मस्त सो रहे हैं? फोन तो उठाओ यार, एटलीस्ट मेरे से बात करो, अगर भूत नहीं हो तो मेरे को बताओ ताकि मेरे अंदर का डर बाहर निकल सके। कि मैं ना अब सीधा अगले नंबर पे जा रहा हूँ। ये क्या, वो ये 10 डिजिट का भी है, नाइस। ओके सो व्हाट, मेरे को फिर से कॉल आ रहा है। नहीं यार ये कौन है जो मेरे को इतनी रात में कॉल कर रहा है? भाई वेट 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 वेट, मेरे को ट्रू कॉलर पे चेक करना पड़ेगा, रुको मैं उठा नहीं रहा हूँ इस नंबर को, मेरे को सीधा ट्रू कॉलर पे चेक करने का नंबर है किसका जिसके में एक्चुअल नंबर ही नहीं आ रहा है। मैं ट्रू कॉलर पे चेक भी कैसे करूंगा, मैं पागल वागल हूँ क्या? नंबर नहीं आ रहा तो मैं चेक कैसे करूंगा? भाई मेरा हो चुका, मेरे को पसीने आ रहे हैं, लेकिन दिख रहा है तुम लोगों को पसीना? मैंने नहीं रिकॉर्ड करनी आगे से ऐसी वीडियोस, बता रहा हूँ मैं, और रात में तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं, मैं इसके बाद सीधा जाने वाला हूँ सोने। ओके सो हमारा अगला नंबर जापान से है एंड ये कहा जाता है कि अगर तुम इस नंबर पे कॉल करोगे तो तुम्हें बहुत सारी ऐसी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देंगी एंड उसी कुछ टाइम बाद तुम्हें एक ऐसी न्यूज मिलेगी जो की बहुत ज्यादा सैड होगी, लाइक सैड इन द सेंस लाइक तुम्हारा आस पास का जानने वाला कोई मर गया ऐसी। और मैं अगर तुम्हें बताऊं तो जापान में 4 नंबर को बहुत ज्यादा ऐसा डीविल माना जाता है लाइक एंड इसी की वजह से तुम लोगों ने देखा होगा कि हाँ बहुत सारी कंपनीज ऐसा 4 सीरीज अपनी लॉन्च ही नहीं करती, जैसे वन प्लस ने, मेरे पास वन प्लस का ही फोन है 8 है ये वन प्लस 8, वन प्लस ने अपना 3 के बाद सीधा 5 निकाला था, वन प्लस 3 वन प्लस 5, 4 निकाला ही नहीं उन्होंने। जैसे तुमने आईफोन का भी देखा होगा, आईफोन ने भी 9 ही निकाला था, बिकॉज 9 डीविल नंबर माना जाता है। ओके सो लेट्स डायल दिस नंबर। व्हाट, मेरे फोन ने सीटी बजाई? ओके सो नंबर मैं टाइप कर दिया एंड लेट्स डायल। यस द नंबर यू हैव डायल इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। भाई बिजी है ओए, आपके द्वारा डायल किया गया अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। भाई सच्ची में बिजी है, ये तो लग भी रहा है। अबे ओए किससे बात कर रहा है भूत? हां इज करंटली बिजी, भाई नंबर बिजी है, भूत अपनी गर्लफ्रेंड से लगा पड़ा है। भूत भी देखो बात बात करते हैं, ऐसा ऐसा अपने रिश्तेदारों में पूछते होंगे या फिर क्या पता किसी को डरा ही रहा हो है। सच्ची में जैसे मेरे को कोई कॉल कर रहा है वैसे ये वाला भूत भी किसी को कॉल कर रहा हो, क्या पता। पर देखो अभी मेरे को ये अननोन वाले का कॉल आना बंद हो गया, अभी नहीं आ रहा है, बस जब मैं अब सो रहा हूँ तब ना आ रहा हूँ। मैं फोन फेंक के सोऊंगा अपना, मैंने ये वाला फोन अब रखना ही नहीं है। ओके तो अभी तक सिर्फ एक बंदे ने कॉल उठाया है जो कि सर्विस वाला था, मैं उसको बोल रहा था भूत है क्या? बट मेरे पास एक और नंबर है एंड ये लास्ट नंबर होने वाला है जो मैं डायल करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने इतने सारे लगा लिए कोई भूत नहीं उठा रहा, ठीक है? तो ये नंबर जस्ट 1 और 9 बार 0, बिकॉज ना बहुत सारे लोग ऐसा 0 को काफी अनलकी मानते हैं। क्या बिजी, आज के दिन सारे भूत बिजी है क्या? है वो दिक्कत है ना यार, मैं रात में कॉल कर रहा हूँ, क्या पता सारे के सारे भूत रात में सबको डराने में लग गए तो सबके कॉल बिजी आ रहे हैं। तो मेरे को दिन में कॉल करना चाहिए, मैं भूतों को दिन में डराऊंगा। तो यार इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा अगर तुम लोग को चाहिए तो, एंड हम लोग ये सारे नंबर्स, मैं और भी नंबर्स ढूंढ के लेके आऊंगा ढंग से एंड उनको हम दिन में कॉल करें, लाइक भूतों को दिन में मैं डराऊंगा। एंड यार एक और चीज, वो जो नंबर मेरे पे अभी कॉल आ रहा था ना ऐसा अननोन वाला, उसको मैं ही कॉल कर रहा था तुम लोगों को डराने के लिए, मुझे बता तुम लोगों को डर लगा कि नहीं लगा? ये मेरी मम्मी का फोन है एंड मैं अपने फोन पे इससे कॉल कर रहा था ताकि तुम लोगों को डर लगे, थोड़ा सा ऐसा फील आनी चाहिए ना, तो यार उसी फील के लिए कर रहा था। तो यार आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत सारे नंबर्स पे कॉल किया मैंने इस होप में कि काश कोई मेरे को डरा सके, बट एक कस्टमर केयर वाले को कॉल लगा और एक वो जस्ट डायल कंपनी कोई थी उसको कॉल लगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही एंड अगर तुम लोगों को थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को एंड हम लोग मिलेंगे आगे और भी शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।